हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पनेलन स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम कक्षा एक की क्लास में व्यंजन बनेंगे। क और ख, आपने नई नई किताब लाए हुआ? हाँ, तो जो आज हम नई नई किताब, हमारी जो किताब है ना, उसमें पढ़ने वाले हैं। पढ़ना है ना आपको? ओके, तो ध्यान से पढ़ना है। तो चलो अपनी किताब खोलो, पेज नंबर 3। चलो हम शुरू करते हैं। बच्चों, ये वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा व्यंजन है ये हमारा? क। तो देखो हम पढ़ते हैं, है ना, शुरू करते हैं। ये किसका चित्र दिख रहा है बेटा आपको? ये चित्र है किसका? एक कमल का चित्र है। फूल है, किसका फूल है? ये कमल का फूल है। तो क, क से कमल क्या होता है? क से कमल होता है। तो देखो यहाँ गुजराती में भी क लिखा गया है ना, क, क से कमल। देखो ये रहा क, ये हमारा क है। क्या है? क, क से कमल। देखो बच्चों, यहाँ पर भी हमको क लिखना है। क्या लिखेंगे? क, क से कमल क्या होता है? क, क से कमल, लिखा ना। देखो ये क्या है? ये क है बच्चों। क्या है ये? क, क से कमल भी होता है, क से कबूतर भी होता है, क से कलम भी होता है ना। अब देखो आगे क्या दिया गया है, क ढूंढ कर ऊपर गोल बनाओ, क सोधीने तेना ऊपर गोल बनाओ। तो बाळको, आमा ते अमारा क शोधवानो छे और एना ऊपर अमारा गोल बनावानो छे। तो चालो आपे क शोधी लईए। तो आ रह्यो क छे ने, बीजो क देखाय छे, हाँ आ रह्यो, तो एक क और आ रह्यो और क है, हाँ ये रहा क, है ना। तो इसमें जितने भी क थे उनको हमने ढूंढ लिया और उसके ऊपर गोल बना दिया है। आया ना आपको? फिर देखो नीचे क्या दिया गया, आगे आगे दिया गया है, पढ़ो वाचो। ये क्या है? क, क्या है बच्चों? ये क, और इस क में हमको रंग भरना है। तो बच्चों आपको जो भी रंग अच्छा लगता है इसमें वो कलर रंग आप भर देना है। फिर देखो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया ना इसे मिला के हमको क लिखना सीखना है। तो ये खड़ी लाइन, फिर ऊपर ले जाकर नीचे कर देंगे, फिर आड़ी लाइन, तो क्या बन गया ये? क, क से क्या होता है? देखो फिर से ये से करेंगे गोल, फिर खड़ी लाइन, फिर ये नीचे, फिर ये आड़ी लाइन, क्या बन गया? क, क से कमल। अब देखो यहाँ पर भी हमको बोल बोल के लिखना है। क्या लिखेंगे? क लिखेंगे हम यहाँ पर। तो बच्चों कैसे लिखेंगे हमने सीखा ना, ऊपर ऐसे करेंगे, फिर खड़ी लाइन, फिर ऊपर ले जाके नीचे, फिर आड़ी लाइन, क, क से कमल क्या होता है? क, क से कमल, क, क से कमल, है ना, क, क से कमल। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने क सीखा, क से क्या होता है? क से कमल होता है। आया ना आपको? तो हमने क लिखना सीखा। तो ये क्या कह, ये क्या है? ये क है। आपको आया समझ? क्या सीखा हमने? क सीखा, क से कमल होता है ना। आया आपको बच्चों क? ओके, तो हमने क सीखा, अब हम ख सीखते हैं। तो चलो हम ख देखते हैं। अब बच्चों ख तो देखेंगे, पहले क की देखो और भी वर्कशीट दी गई है, वो हम देख यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर क से शुरू होने वाले चित्र को हमको ख से मिलाना है। तो हमको चित्र देखना है, चित्र देख के देखना है कि कौन सा चित्र है। तो ये चित्र किसका है? कमल। तो क, क से कमल होता है तो हमने मिला दिया। फिर ये टोपी है तो इसमें क से टोपी नहीं होता है। कंघी, तो क, क से कंघी। फिर कछुआ, तो क, क से कछुआ, है ना। फिर ये क्या है? बेट है, तो बेट, ब से बेट होता है, क से नहीं होता है। गेंद है, ये भी नहीं होता। ये देखो क, क से करेला, हो गया ना, क,
क से कमल होता है, क से कंघी होता है और क से कछुआ भी होता है, क से करेला भी होता है। अब देखो यहाँ पर हमको देखना है क के नीचे रेखा करनी, तो बच्चों हमको जहाँ पर भी क दिखता है ऐसे लाइन हमको नीचे कर देनी है। ये क रहा, ये क, तो बच्चों हमको जहाँ पर भी क दिखा हमने नीचे नीचे रेखा खींची। और इसमें बच्चों हमको क्या करना है, क नहीं, क से जो भी अलग व्यंजन है, वर्ण है, उसके ऊपर गलत कर देना है। तो ये क है ना, और ये क नहीं है, ये क है, ये क नहीं है, फिर ये भी नहीं है क, ये क है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, है ना। तो हमने बच्चों क के ऊपर निशाने के जो क से अलग वर्ण थे कि हमने क्या कर दिया, निशान कर दिया, ये रहा क भी नहीं है। अब पढ़ो और लिखो, तो बच्चों चित्र देखना है और हमको क्या लिखना है, क लिखना है। तो देखो ये कि कबूतर है, किसका चित्र दिया गया है, कबूतर का। तो देखो कबूतर में क से कबूतर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क, क से कबूतर, क क्या आएगा, क। ये चित्र किसका है, कलश, तो क, क से कलश, क, क से कलश, है ना। उसी प्रकार देखो क, क से क्या होता है, कलम होता है, और क से कछुआ। तो देखो बच्चों ये नीचे कहा गया है, क ढूंढ कर ऊपर गोल बनाओ, सर्कल बनाओ, तो हमको क ढूंढना है, उसके ऊपर सर्कल बना देना। तो ये रहा क, और ये रहा क, और ये रहा क, हमने क को ढूंढा और उसके ऊपर गोल बना दिया। ओके, अब हम ख पढ़ते हैं। देखो बच्चों ये क्या है, ख है, ये किसका चित्र है, किसका चित्र है, ये खरगोश है, जानते हो ना, आपने देखा है कभी खरगोश को, खरगोश कौन से कलर का होता है, खरगोश सफ़ेद रंग का भी होता है, तो खरगोश, तो खरगोश का ख। तो देखो ख, ख से खरगोश, देखो ये गुजराती में भी ख लिखा गया है। ओके, तो क्या है ये, ख है, क्या है बच्चों ये, ख, और ये क्या है, ख, ख से खरगोश, है ना, ये क्या है, ख, ख से खरगोश, ये क्या है बच्चों, ख। अब देखो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना है, ख लिखना है, ऐसे करके खड़ी लाइन फिर आड़ी लाइन, तो क्या बन गया, ख, ख से खरगोश। अब जैसे बच्चों उस समय हमने क ढूंढा था, इसी प्रकार से हमको ख ढूंढना है, उसके ऊपर गोला बनाना है। तो यहाँ पर ख दिख रहा है आपको, अरे ये रहा ख, और ख है, हाँ ये रहा ख, और ये रहा ख, ये रहा ख, और ये रहा ख, जितने भी ख दिखे उसके ऊपर हमने गोल बना दिए, है ना। फिर देखो वांचो, ये क्या लिखा गया है, ख। बच्चों इसमें हमको रंग करना है, तो आपको जो भी रंग अच्छा लगता है वो इसमें ख रंग भर देना है। अब देखो ख कैसे लिखा गया, तो देखो यहाँ पर ऐसे, फिर इसको यहाँ गया, फिर ये गोल, फिर खड़ी लाइन, फिर ये आड़ी लाइन, तो क्या बन गया, ख, ख से खरगोश, क्या होता है, ख से खरगोश। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी हमको इसी प्रकार से लिखना है, ख, ख से खरगोश, क्या होता है, ख, ख से खरगोश। तो बच्चों आपको भी इस तरीके से बोल बोल कर ख लिखना है। ओके बाय। ओके बच्चों, तो ये हमारा, तो बच्चों ये हमने क भी पढ़ा, ख भी पढ़ा, दोनों ही पढ़े, आया आपको, क कैसे लिखते हैं, क से कबूतर भी होता है, क से हमने क्या पढ़ा, क से कमल पढ़ा, और ख से खरगोश पढ़ा, है ना। तो बच्चों ये दोनों व्यंजन को आपको अपनी बुक्स में करना है ना। चलो आगे देखते हैं हम। देखो बच्चों जैसे हमने क को किया था ऐसे ही ये ख आ गया, क
ख से शुरू होने वाले जो चित्र दिख रहे हैं उसको हमको ख से मिला देना है। और तो चलो देख लेते हैं हम अभी, है ना। ये चित्र है इसमें ख से शुरू होने वाले को हमको ख से मिला देना है। तो ये रहा हमारा चित्र। तो ये क्या है? खटिया। तो ख ख से खटिया। ये क्या है? गणपति। ये खंबा। तो ख ख से खंबा। ये क्या है? कलश। ये क्या है? खपरेल। तो ये ख से खपरेल। फिर ख से खरगोश, है ना। और ये क्या है? गधा। ये तो ग से होता है। हमने जितने भी ख से शुरू होने वाले चित्र को ख से मिला दिया है। फिर देखो यहाँ पर बताया गया है ख के नीचे रेखा खींचो। तो कहाँ जहाँ पर भी हमको बच्चों ख दिखता है उसके नीचे हमको रेखा कर देनी। कर दी हमने। फिर आगे कहा गया ख पर नहीं, ख से अलग वर्ण पर क्या करना है? गलत का निशान लगाना है, जैसे हमने क में किया था ना ऐसा। तो इसमें ख, ये ख नहीं है, ये भी ख नहीं है, ये रहा ख, ये क है, इस पे भी नहीं, ये रहा ख, है ना। तो बच्चे इसमें जहाँ पर भी ख लिखा हुआ वो नहीं, वो जहाँ पर ख नहीं है उसको हमको क्या करना है? गलत का निशान लगा देना है। अब देखो चित्र को देखना है हमको बच्चों। ये चित्र किसका है? खटिया। तो ख, ख से खटिया। तो ये ख लिख दिया, है ना। और ये खरबूजा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको ख लिख देना है, ठीक है। खरल। और ये खर। तो बच्चे ये ख से देखो, ख से खटिया होता है, ख से खरबूजा होता है, ख से खरल होता है, और ख से खत भी होता है। और इसमें बच्चों नीचे हमको ख को ढूंढना है और उसके ऊपर गोला बना देना है, है ना। तो चलो हम ख को ढूंढ लेते हैं। ये रहा ख, और ख है ये रहा ख, और ये रहा ख। हमने ख को ढूंढ लिया। बच्चों पढ़ लिया हमने, क और ख दोनों ही पढ़ लिया, ओके। वीडियो को देखना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ओके। बाय बाय।